नमस्कार, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में आप सभी का फिर स्वागत है। चुनाव का मौसम है और ऐसे में कहीं भी कोई सरगोशी होती है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक पहुंचती है, यहाँ तक कि तख्तोताज का फैसला भी एक छोटी सी घटना कर देती है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक घर में एक लड़का घुसता है मदद की गुहार लेने के लिए अपने भाई के साथ, क्योंकि उसकी पत्नी अस्पताल में भर्ती है और उसको 5,000 रुपया चाहिए। सामने वाले घर से वो पहुंचकर एक चाय बनाती हैं वो, और 5,000 रुपया उसको दे भी दिया जाता है। चाय पीने के बहाने वो ऊपर जाता है और उस घर के दो बच्चों को, जिसमें से एक की उम्र 11 साल दूसरे की 6 साल है, उनको चाकुओं से गोद देता है, चाकुओं से रेतता है। और जब तीसरा बच्चा जो बाहर भेजा गया था एक पान पुड़िया लाने के लिए, वो आता है तो उस पर भी चाकू से हमला करता है। लोग हैरान हैं कि अचानक ये क्या हुआ। जब नीचे उतरता है तो वो पूछती है बच्चों की माँ कि क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे जो करना था मैंने पूरा कर दिया, और कहकर बाहर निकल भागता है। शहर में हल्ला हो जाता है, हंगामा, लोग पुलिस चौकी फूंकने पर आमादा हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विभत्स हत्याकांड है। बस इसमें ट्विस्ट इतना है कि माँ, जिसके दोनों मासूम बच्चे मारे गए, वो हिंदू हैं, और मारने वाले जो पहुँचे वो मुस्लिम हैं। सामने एक नाई की दुकान थी, अपनी नाई की दुकान, वो नाई साजिद और उसका भाई जावेद, वो सामने उस विनोद के परिवार का बच्चों का कत्ल कर देते हैं, उन मासूम बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर देते हैं जो उनको साजिद भाई, साजिद अंकल कहते थे, और जिनके परिवार ने उनकी मदद की। बात यहीं तक थी, क्राइम का अभी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस 1-1.5-2 घंटे बाद, चूँकि साजिद पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करता है और उसमें वो एनकाउंटर में मारा जाता है। इसके बाद दूसरे की तलाश जारी है जो वहाँ से भाग चुका है। अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि उन्होंने कत्ल किया है, कारण पुलिस खोज रही है। परिवार अभी तक दुख के उस पूरी लहर से घिरा हुआ है। आपको दिखेगा वो चीख उस माँ की जो रोती हुई बेहोश हो रही है, और उस बाप की जो ये समझ नहीं पा रहा मदद का बदला ऐसे कैसे दिया जाता है। बात यहीं तक रहती क्योंकि क्राइम की थी, लेकिन एक समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट किया, उसके मीडिया सेल ने। वो ट्वीट जैसे इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट लेकर जाता है। वो कह रहा है कि भाजपा यूपी में दंगा फसाद का सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतना चाहती है, और इसी कारण से ऐसी घटनाओं को खुद अंजाम दिलवा रही है और जिलों में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है। धार्मिक विवाद, धार्मिक लड़ाई भाजपा का आखिरी हथियार है, भाजपा के इशारे पर ऐसी घटना कर रहे हैं। ये एक ट्वीट के अंदर के शब्द हैं जो इस पूरी घटना को ये बताते हैं कि भाजपा जीत के लिए ये सब कर रही है। वैसे तो ये बात बड़ी एक बड़ी शरलॉक होम्स की या किसी भी जेम्स बॉन्ड की फिल्म को भी मात दे सकती है कि बदायूं के एक कस्बे में नाई, दो नाइयों से सामने मकान मालिकों के बच्चों का कत्ल कराने के लिए, ताकि चुनावी फायदा हो सके, कितनी बड़ी राजनीतिक साजिश से भी बड़ी चीज़, कितने बड़े दिमाग की ज़रूरत है। लेकिन समाजवादी पार्टी है, उसको ये यकीन है। इस पर बातचीत करने के लिए कि आखिर इसका रिश्ता क्या है मुजफ्फरनगर दंगे से, और किस तरह से इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं, घटना ऐसे कैसे बदलती है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम जी हैं, अनुपम मिश्र। ऐसी हर छोटी बड़ी राजनीतिक घटना के मायने न केवल समझते हैं बल्कि समझाते भी हैं। नमस्कार अनुपम जी, आपका स्वागत है। अनुपम जी, ये घटना हुई, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, उसके बाद जो राम गोपाल यादव हैं वो भी ये बताते हैं कि भाजपा झगड़े कराती है, उसके बाद वो नाकामी मानते हैं अखिलेश यादव। आपको क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी वो चाहिए, कितना बड़ा नेटवर्क चाहिए ताकि इस तरह की घटना, यानी लखनऊ से दूर बैठे, दिल्ली से दूर बैठे लोग बदायूं में एक घटना कराती है पार्टी और उससे वोट आ जाएंगे,
ये कितनी बड़ी साजिश आपको लगती है? समाजवादी पार्टी साजिशों को बड़ा आसानी से भांप लेती है, ऐसा लगता है? देखिए, जब से बदायूं की घटना हुई है धीरेन जी, तब से तीन तरह के रिस्पॉन्स आए हैं। एक बड़े पत्रकार ट्वीट करते हैं कि ये पुराना विवाद था। अब आप समझ लें कि इस विवाद में एक तरफ 25-25, 30-30 साल के हत्यारे हैं और दूसरे उन्होंने कहा दो पक्षों में विवाद, तो एक पक्ष में 25-30 साल के हत्यारे और दूसरे पक्ष में 8 साल और 10 साल के मासूम बच्चे। अब ये इनको दो पक्ष कैसे नज़र आते हैं यही बता सकते हैं। दूसरे एक बहुत बड़े पत्रकार और यूट्यूबर कहते हैं कि साहब इससे ध्रुवीकरण ना हो जाए और भाजपा को, मतलब आपको बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, आप ज़्यादा परेशान हैं कि भाजपा को चुनाव में फ़ायदा ना हो जाए। मतलब किस तरह की संवेदनहीनता है मेरी समझ के बाहर है, शायद इनको भी मैग्सेसे अवार्ड मिल जाए। बहरहाल तीसरा मैं देख रहा था आज राम गोपाल यादव जिनके बयान की आप बात कर रहे थे, अगर आप उनका वीडियो देखें, मैंने ट्वीट किया है, उसमें मुस्कुरा रहे हैं, वो हंस रहे हैं इस पर कमेंट करते हुए कि अरे ये सब तो भाजपा कराती है। ये मतलब किस तरह की मतलब एकदम जैसे संवेदन शून्यता जिसको मैं कहूँगा, आप ऐसे मौके पर मुस्कुरा कैसे सकते हैं, आप हंस कैसे सकते हैं और भाजपा ने कराया, बल्कि मैंने उसे ट्वीट किया और ऐसे कैसे मुस्कुराते हुए ये ऐसे बयान दे सकते हैं। तो किसी दर्शक किसी रीडर ने बहुत अच्छा उस पर लिखा, उसने कहा कि साहब राम गोपाल इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के बयानों के बाद और इस तरह की हरकतों के बाद शिवपाल यादव हार जाएंगे, वो शिवपाल यादव की हार को पहले से बधाइयों में सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि राजनीतिक मतलब निकलेंगे, राजनीतिक फ़ायदों की और नुकसान की बात होगी, लेकिन अभी इस वक्त क्या है, मेरे साथ मेरे रिपोर्टर जो मौका वारदात पर हैं वहाँ उनसे भी मैं समझ लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर आगे जाएंगे अभय जी से ये समझने कि कैसे ये चुनावी बात क्यों की जा रही है, क्यों बदायूं जैसी सीट जहाँ 55-50% वोटर्स यादव और मुस्लिम समीकरण के हैं और वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों कही जा रही हैं, अखिलेश ऐसी बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन पहले हिमांशु, इस समय क्या हालात हैं वहां के और क्या ये पता चल रहा है कि उन क्या पक्षों में पहले दुश्मनी थी? देखिए सर, मैं आपको पहले बता दूं कि अब तक स्थिति कंट्रोल में है, पूरी तरह से यहाँ पे नियंत्रण में है और जिस तरह से अभी मैं चर्चा को सुन रहा था और वरिष्ठ पत्रकार इस बात को बता रहे थे कि वाकई ये एक हास्य वाली स्थिति है कि अगर इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये सांप्रदायिक दंगा भड़काने के लिए भाजपा द्वारा स्टंट किया जा रहा है। अगर दंगा भड़काना होता तो शायद फोर्स को आगे न लगाया जाता और कल शाम जिस तरह का माहौल यहाँ पर हो गया था उन दो बच्चों के मासूम बच्चों के कत्ल के बाद, तो ये सांप्रदायिक दंगा बहुत आगे तक बढ़ जाता, उनको आगे जाने से रोका ही नहीं जाता और पुलिस फोर्स को यहाँ डिप्लॉय ही नहीं किया जाता। लेकिन पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया, पीएसी फोर्स को यहाँ लाया गया, रैपिड एक्शन फोर्स को लाया गया ताकि सांप्रदायिक दंगा ना भड़के और आपसी सौहार्द बना रहे, क्योंकि यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर ही एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, अगर पब्लिक वहाँ तक पहुँचती तो वाकई यहाँ पर हालात कुछ और होते। जो जिन हालातों का जिक्र अखिलेश यादव अपने ट्वीट में या उस ट्वीट के पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल स्थिति यहां पर सामान्य है। भाजपा ने यानी कि यहां का जो लोकल प्रशासन है उन्होंने पूरी तरह से स्थिति को कंट्रोल करा, यहां पर आईजी से लेकर यहां के लोकल एसएसपी डीएम तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया है। मैं तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। ये वो घर है विनोद का जिनके दो बेटे थे आयुष और अहान, जिनको कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद से यहाँ पर कल से अब तक लगातार लोगों की आवाजाही और नेताओं की आवाजाही बनी हुई है, चाहे वो भाजपा के हों या किसी और कैडर के, तमाम जो लोग हैं आकर मिल रहे हैं, परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और जो कल पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर में साजिद मारा गया वो मुठभेड़ का एक हिस्सा था, क्योंकि वो पुलिस से छूटकर भाग रहा था, क्योंकि शुरुआत में पुलिस ने उसको पकड़ लिया था, हिरासत में ले लिया था और चौकी के अंदर बाकायदा लेकर जाया गया था, लेकिन पब्लिक जब चौकी को फूंकने पर अतारू हो गई और पुलिस उसे वहां से सुरक्षित लेकर जाने लगी, तब उसने पुलिस पर पलटवार किया और उस आपसी मुठभेड़ के अंदर पुलिस को जब मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग करनी पड़ी तब जाकर वो एनकाउंटर में ढेर हुआ। अब उसका जो छोटा भाई है अगर उसकी हम बात करें जावेद, वो अभी तक फरार है, तो जब तक जावेद
गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जो सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं, आखिरकार रंजिश क्या थी, वो रंजिश तब पता चलेगी जब जावेद पुलिस की हिरासत में होगा। तो जब जावेद पकड़ में आएगा तब ऐसे तमाम सवाल हैं, उन सवालों की गुत्थी सुलझेगी। लेकिन शुरुआती तौर पर देखा जाए, जिस तरह से FIR दर्ज कराई गई है उनके पिता विनोद के द्वारा, पीड़िता द्वारा, उनका साफ तौर पर कहना है काफ़ी पहले से एक दूसरे को जानते थे, यहाँ तक कि सैलून यहाँ पर लाने के पीछे विनोद का एक बड़ा हाथ रहा है, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया गया था कि आप यहां आइए अपना सैलून खोलिए, और बीच बीच में फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलती रही है लोकल लोगों का, यहां पर उनका कहना है। और यही वजह थी कि साजिद और जावेद दोनों भाई फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए एक बार फिर से इनके घर में पहुंचे थे। 5,000 रुपये की उन्होंने डिमांड की थी और वो डिमांड भी इनके द्वारा पूरी की गई। जिनका नाम संगीता है महिला, जो माँ है पीड़ित माँ, उन्होंने 5,000 रुपये अपने पति से पूछने के बाद इनको सौंप भी दिए थे। अपने बयानों में जब हम उनसे खास बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ब्यूटी पार्लर खोला हुआ है, तो साजिद उस समय कहता है कि मैं ब्यूटी पार्लर देखना चाहता हूं, तो ब्यूटी पार्लर देखने के बहाने वो जीने से ऊपर जाता है और तभी आयुष और अहान को अपने साथ लेकर जाता है, और तो छत पर पहुंचने के बाद पहले आयुष को और फिर अहान को मौत के घाट उतार देता है। अहान से वो बीच में पानी भी मंगाता है, इससे पहले सबसे बड़ा जो इनका बेटा है 11 साल जिसका नाम आयुष है, पहले उसको मार देता है, और जब बाद में अहान पहुंचता है तो दूसरे नंबर पर वो अहान को मार देता है। और इसी दौरान जो इनका तीसरा बीचा मतलब बीच का बेटा है जिसकी उम्र 8 साल है, पीयूष, जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है उसके दोनों भाई खून से लथपथ हैं और नीचे गिरे हुए हैं, और साजिद के द्वारा ये कोशिश की जाती है उसका मुंह बंद कर उसको भी मौत के घाट उतारने की। लेकिन इत्तेफाकन साजिद के पैर में जिस गिलास में, वो कांच के गिलास में पानी लेकर गया हुआ था, वो कांच का एक टुकड़ा उसके पैर में चुभ जाता है, और चुभने की वजह से वो लंगड़ा जाता है, और उसी दौरान पीयूष अपनी जान बचाकर नीचे भाग आता है और अपने घर में उनकी जो दादी माँ है और मम्मी है उन सबको बताता है, और तभी पड़ोस के तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और पैर में कांच चुभने की वजह से साजिद मौके से भाग नहीं पाता है, जबकि जो उसका छोटा भाई है जावेद वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, जो अब तक की पूरी चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो साजिद को यही वजह थी कि वो भाग नहीं पा रहा था, उसके पैर में कांच गड़ गया था, और पुलिस ने यहाँ गेट से यानी का जो इनका घर है उनके उसके बाहर से ही हिरासत में ले लिया था, और यहाँ से ले जाने के बाद उसको चौकी ले जाया गया। लेकिन जैसे जैसे पता चला और आप जो पूरा इलाका है उसमें ये बात फैली कि किस तरह से एक नाई ने यानी कि मुस्लिम दूसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा हिंदू समुदाय के दो छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल कर दिया, तो उनके अंदर गुस्सा फूट पड़ा, एक आग बदले की भावना यहाँ पर निकलने लगी, और सब लोगों में ये था कि किसी तरह से बदला लिया जाए। लेकिन उस बदले की भावना को शांत करवाया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। अगर इसको चाहते तो एक सांप्रदायिक दंगे का रूप दिया जा सकता था, जो समाजवादी पार्टी कहना चाह रही है, लेकिन वो होने नहीं दिया गया, उसको रोका गया बकायदा। तो पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा, और जी ये जो बातचीत है राजनीतिक तौर पर देखें, मैं अभय जी के पास जाऊंगा, राजनीतिक तौर पर देखें तो मुजफ्फरनगर में 27 अगस्त 2013 को सचिन और गौरव दो नाम, दो लड़के हैं जो अपनी बहन को एक वहाँ कवाल टाउन में शाहनवाज नाम का लड़का जो परेशान किया करता था, और परेशान करने के बाद जब उस दिन वो आते हैं तो वो शाहनवाज अपने आदत के अनुसार बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, और वो दोनों भाई अपनी बहन के साथ ये नहीं देख पाते, मेरे भाई थे दोनों, और वो उससे झगड़ा शुरू होता है, उसमें शाहनवाज को चाकू लगता है जो वो खुद जो उसी के पास शाहनवाज के घर में था वहाँ, और उसके बाद वो मर जाता है। भीड़ निकलती है और उन दोनों को वहीं लिंच कर देती है, पूरी भीड़ निकल कर मुस्लिम समुदाय की, और उसके बाद कवाल टाउन का वो जो मुजफ्फरनगर में दंगे का बड़ा कारण बनता है, उसमें दंगे में लगभग 60-62 लोग मारे भी गए, लंबा मुकदमेबाजी हुई, और उसने एक राजनीति को बदल दिया ऐसा कहा जाता है अगर मुजफ्फरनगर के उस दंगे की बात करें। लेकिन जिस तरह से समाजवादी यहाँ सोच रही है, जिस तरह से आज अचानक सब लोगों ने बाइट देनी शुरू कर दी, आपके पास मैं सवाल आपको लूंगा, लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि अखिलेश यादव क्या बोलते हैं। जी अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाया जाए। दो भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना, देवरिया की जब घटना हो गई विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था,
30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया, अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे, रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस। क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है, एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, दस बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पांस सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरे प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। देखिए, जिस तरह से मुलायम सिंह के बाद, उस समय मुलायम सिंह यादव थे 2013 मुख्यमंत्री, तो अखिलेश ही थे, लेकिन उस जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जिस राजनीति की बात की जाती थी, उसके पुरोधा के तौर पर मुलायम सिंह यादव और बाद में अब अखिलेश यादव वो जिम्मेदारी निभाते हुए दिखते हैं कि उनको इस तरह का मसला भी, कानून व्यवस्था जीरो लगती है, पुलिस इसको रोक सकती थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्यों ये राजनीति, अगर आप देखें अभय जी, इस तरह का टर्न ले रही है? एक आपराधिक घटना है, विशुद्ध आपराधिक घटना है, हो सकता है उन दोनों के लिए वो क्या मसले थे वो देखेंगे, और लेकिन उन्होंने एक बेरहमी के साथ बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद भी इस तरह की चीज़, आपको क्या लग रहा है कि इसका राजनीतिक फायदा आंकड़ों के हिसाब से उठाना चाहते हैं? उनको लगता है बदायूं जैसी सीट जहां मुस्लिम यादव समीकरण होने के बावजूद 1996 से लेके इस सीट पर 2014 तक लगातार समाजवादी पार्टी जीतती है, और उसके बाद 2019 में जब वो 18,000 से ज़्यादा वोटों से हारती है, तो क्या उस समीकरण को बचाना, चूँकि वो बचता तो उससे नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह का तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं उससे तो शिवपाल निपटते दिख रहे हैं, आपका क्या कहना है? पहले तो बता दूं कि मैं जहाँ हूँ काफी बारिश हो रही है, मौसम यहाँ का काफी खराब है, तो थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम आएगी, आवाज में या कुछ प्रॉब्लम आए तो आज वहाँ आज के लिए है, अभी तक नहीं है। देखिए, अगर हम बात करें बिल्कुल हर चीज का, हर राजनीति पर हर कुछ का असर पड़ता है, अच्छा हो तो अच्छी को भी असर पड़ेगा, बुरा हो तो भी असर पड़ेगा। तो समाज के होने वाले हर इज्जत का, अच्छा हो बुरा हो, राजनीतिक असर छोड़ के ही जाता है, तो इसका भी असर होगा, इसकी कोई शक नहीं है। और यह सब हुआ है जब इलेक्शन का वक्त, बल्कि मैं तो यहाँ से बताऊंगा सुधीर साहब, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ के कि चलिए, अभी तक किसी ने यह नहीं कहा कि यह प्रायोजित, मैं थोड़ा सा भारी मन से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि इलेक्शन के वक्त पर कोई प्रायोजित कराया जा रहा है। अभी तक मुझे इस बात का मतलब है कि ऐसा स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं आया, मैं भारी मन से बोल रहा हूँ, यह मेरा अपना वार्ड नहीं है, एक आत्मा का वार्ड है, इतना दिवस घटना हुआ है जिसको भी लोग राजनीति में देने लगते हैं, उसके कारण से ऐसा कुछ बात बोलना पड़ रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें, बिल्कुल सही आपने कहा, आपकी बात बिल्कुल जायज है, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई, मैं 2019 में वेस्टर्न यूपी में बीजेपी और एलआई, 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के पहले जब 2009 के लोकसभा का चुनाव हुआ, उस समय अजीत पार्टी भी बीजेपी के साथ, उस समय वेस्टर्न यूपी में लगभग इस एलायंस को लगभग 30 लाख वोट आया था, 28 लाख समथिंग
21 लाख के करीब वोट आया था और यह 2014 में बढ़ करके 90 लाख हो गया, यह 2090 में 14 लाख हो गया था और 2020 से 1.7 करोड़ के करीब हो गया था, 1 करोड़ से ज्यादा, 1.7 करोड़। तो 12 की 2014 के बाद 20 में कुल वर्धन में मायने रखता है, क्योंकि सही बात है सरकार के कारण को लोगों ने अपने अपना मताधिकार दिया, अच्छा किया, मतलब लोगों ने अपना बढ़ दिया। लेकिन 2009 से 2014 के बीच में लगभग 260% के लगभग के आसपास की वोट, लगभग 260% लगभग, तो यह कहीं ना कहीं जितना बड़ा वृद्धि हुआ उसे बीजेपी का नेतृत्व हुआ उसे अखिलेश का सब कुछ हुआ, लेकिन वो जो मुजफ्फरनगर वाली जो घटना हुई अभी आप चर्चा कर रहे थे उसका भी कहीं ना कहीं असर था और इस असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज जो घटना हुई है, विभत्स घटना हुई है, इसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा सामाजिक तौर पर, कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। हम लाख कहें कि नहीं नहीं ये तो एक ऐसा घटना है, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए, सब लोग भूल करके आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। समाज में हारमनी बनी हुई है, यह बहुत बड़ी बात है कि समाज में हारमनी बनी हुई है, बनी है और बनी रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार का आतंक देखने को मिलेगा और बहुत बर्बाद घटना हुई है, हम सभी काफी बर्बाद। जी जी अनुपम जी, ये किस तरह का, याद होगा आपको, आप तो मुजफ्फरनगर के उस दंगे से वाकिफ हैं, उस दंगे में शाम को ये कोशिश की गई थी कि जो पकड़े गए थे, जो आरोपी पकड़े गए थे अनुपम जी, आपको याद होगा उस वक्त जो उन दोनों गौरव और सचिन, चूंकि केस दो हो गए थे, एक में शाहनवाज की हत्या होती है, उसके जो अपराधी हैं वो दोनों सचिन एंड गौरव हैं, केस उनका है, लेकिन जब उन दोनों की हत्या होती है तो वो केस तो क्लोज होता है, लेकिन सचिन गौरव के हत्यारों को पुलिस पकड़ लेती है उसी समय, लेकिन शाम के देर रात तक उनको छोड़ दिया जाता है थाने से। उसके बाद ये भी शुरू होता है एसपी का ट्रांसफर, एसएसपी हुआ करती थी बड़ी तेज तर्रार एसएसपी, कि साहब वो गांव उनका है, सैनी हैं तो एसपी वो हुआ करती थी, डीएम भी ट्रांसफर होना है क्योंकि डीएम जाट है, मरने वाले जाट हो सकते हैं, इतना बड़ा मरने वाले जाट थे, तो इसीलिए वो वहां का घटनाक्रम था। क्या बदायूं में ये घटनाक्रम है? बदायूं में तो उतना उल्टा घटनाक्रम हुआ, जैसे ही अपराधी अपराध हुआ उसके बाद पकड़ा गया, एक भाग निकल गया लेकिन दूसरे का एनकाउंटर हो गया, तो समाजवादी पार्टी इसको उसके साथ इक्वेट कैसे कर सकती है अनुपम जी? देखिए, अभी मैं अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, इतने लंबे चौड़े बयान में उन दो बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी माँ पे क्या गुजर रही है, इसके लिए उनके पास संवेदना के दो शब्द नहीं थे, वो सिर्फ राजनीति की बात करते रहे। शिवपाल यादव का भी बयान हमने देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि एनकाउंटर गलत हुआ है, एनकाउंटर कर दिया आपने, अब केस खुल नहीं पाएगा। हमने यहाँ पर प्रयागराज में केस कैसे खोला गया था राजू पाल की हत्या के बाद, मैंने देखा था, मैंने गिरफ्तारी भी देखी थी, किस तरह आतिक अहमद को गिरफ्तार करने कराने के लिए मुलायम सिंह को खुद इलाहाबाद आना पड़ा था और उनको अतीक अहमद को उन्होंने मंच से खड़ा होकर गंगा मैया जैसा पत्र पवित्र बताया था, उसके बाद कोई क्या ही करता उनका। देखिए, एक मोटी सी बात है कि क्राइम, हम कोई सतयुग में नहीं रह रहे धीरेन जी, क्राइम होता था, क्राइम होता है, क्राइम होता रहेगा, और ख़ास तौर से कत्ल जैसे क्राइम। कत्ल एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर कोई शख्स मन बना लेता है किसी को मारने का, तो मतलब एक प्रिवेंटेबल क्राइम होता है, एक नॉन प्रिवेंटेबल क्राइम। प्रिवेंटेबल क्राइम है जैसे आपने चोरी, डकैती, छिनैती, राहजानी, ये सब समाप्त कर दी, पर एक बार अगर आदमी हत्या करने का मन बना लेता है तो फिर आपने देखा है वो कैनेडी को भी मार देता है, इंदिरा गांधी को भी मार देता है, ये छोटे मोटी हत्याओं का क्या कहें। आज देखा हमने हमारे प्रयागराज में एक औरत ने, वो बुआ होकर उसने अपने सगे भतीजों की हत्या कर दी, तो अब इसको कैसे रोकें? वो अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर पहले से पुलिस तैनात रहती, कहाँ तैनात रहती, कैसे तैनात रहती, क्या कहना चाहे मेरी समझ के बाहर है। मेरा मतलब मेरा निवेदन सर इसमें इतना है धीरेन जी कि क्राइम होता था, है, होता रहेगा, लेकिन सारा फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है कि सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, गवर्नमेंट ऑफ द डे का रिएक्शन क्या है। एक बार क्राइम होता है तो एक सरकार कहती है कि मिट्टी में मिला देंगे और मिला के दिखा देती है, इनकाउंटर कर देती है, और दूसरी सरकार जब कोई क्राइम होता है तो कहती है लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये जो ध्रुवीकरण का मामला था, अगर इस ध्रुवीकरण में आज ये भी प्रेशर है कि ओवैसी 22 सीटों से लड़ेंगे, 20 सीटों से अपने कैंडिडेट घोषित करने वाले हैं,
मुस्लिम वोटों में डिवीज़न हो जाएगा या तमाम चीज़ें होंगी उसका असर है, या फिर ये भी असर है कि शिवपाल बहुत दिनों तक रहे, चिराग ने तो अपने चाचा को सही से करीने किया है, करीने कर, उस पर कोने पर रख दिया है, लेकिन उस तरह से अखिलेश नहीं कर पाए। जब हार हुई तो उनके बाद उनके समर्थकों ने इस बात का बहुत प्रेशर बनाया कि शिवपाल को लिया जाए, तो शिवपाल आ तो गए हैं लेकिन शिवपाल आकर भी राम गोपाल नहीं हो पा रहे हैं। जिस तरह राम गोपाल दिल्ली में हैं, कोई उनका राजनीति में सिर्फ इतना है कि उनको जो कह दिया जाए वो कह दें और उसके बाद अपना आराम से बैठे रहें। शिवपाल फिर भी कर्मठ हैं, और आपने देखा होगा बदायूं में धर्मेंद्र यादव का विरोध हो सकता था तो उसको परिवार में ही ढूंढा गया, शिवपाल यादव। इस बयान से शिवपाल यादव को नुकसान होता दिख रहा? देखें धीरेन जी, पता नहीं क्यों मेरा मन इसमें राजनीतिक पहलू बहुत मुझे समझ में आ नहीं रहे हैं। बहुत एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, और रही बात वोट मिलने या कटने की, तो भाई ओवैसी आते हैं तो आप कहते हैं कि मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा, कांग्रेस आती है आप कहते हैं मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा, बसपा आती है आप कहते हैं मेरा मुस्लिम वोट कट जाएगा। तो मुस्लिम वोट कुछ इतनी मुकद्दस और इतनी पवित्र और इतनी बड़ी चीज़ हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए कि इसके आगे इसके पीछे दाएं बाएं कुछ सूझ नहीं रहा है। और सारे नेताओं के बयान भी उस तरह के आ रहे हैं कि ध्रुवीकरण ना हो जाए, मुस्लिम वोट ना कट जाए। मैं समझता हूँ कि ये एक, वैसे तो देखिए जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले कांग्रेस ने, फिर विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के प्रस्तुत किया, और बाकायदा वोट बैंक कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है। आप तकरीबन हर चुनाव में देखते हैं इस तरह की अपील आती हैं कि साहब मुसलमान वोट बटना नहीं चाहिए, मुसलमान वोट कटना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे मुसलमानों पे कुछ फ़र्ज़ होते हैं कि साहब उनको रोज़ा रखना है, उनको नमाज़ पढ़नी है, उनको हज करना है, इसी तरह इन सब लोगों ने मिलकर मुसलमानों पर एक और फ़र्ज़ लादने की कोशिश की है कि साहब आपका फ़र्ज़ है भाजपा को हराना, आपका वोट कटना नहीं चाहिए, आपका वोट बटना नहीं चाहिए, आप किसी भी तरह भाजपा को हराइए, सुनिश्चित कीजिए हम आपको कुछ दें ना दें, हम आपका कोई हाल रखें ना रखें, सच्चर आयोग की रिपोर्ट आपके 50-60 साल के काम पे कुछ भी कहती हो, समाजवादी पार्टी कुछ भी करती हो, समाजवादी पार्टी बोलती रहो मुस्लिम इशूज़ पर, लेकिन आपका फ़र्ज़ है कि आप भाजपा को हराएं। तो ये एक बहुत ही, मैंने कहा ना ये हमेशा से होता रहा, लेकिन मुस्लिम वोट को लेकर अब वो ममता हो या मुलायम, अखिलेश हों या तेजस्वी केजरीवाल हों या कोई और, मुझे लगता है कि एक अजीब सा जुनून तारी हो चुका है धीरेन जी, और मुझे ये एक राजनीति का एकदम अलग ही अंदाज नज़र आ रहा है। एक बार मैं राम गोपाल यादव की बाइट सुनाना चाहता हूँ, जो राम गोपाल यादव आज झगड़े की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ये करती है, वो एक बार सुन लेते हैं, फिर मैं हिमांशु के पास जाऊँ। शिवपाल यादव की बाइट सुन लेते हैं। शिवपाल भी इस पे चूंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको रिएक्शन उनका आना है, लेकिन ये क्या आता है ये जरा देख लेते हैं। इस सरकार का लाइन आर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे, पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें अब खुलेगा कैसे केस। देखिए वो जानना चाहते हैं ये केस खुलेगा कैसे, इतनी बड़ी चीज़ है जो शिवपाल जानना चाहते हैं, क्योंकि बदायूं में हैं, इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, साफ तौर पर हैं, कातिल भी साफ तौर पर हैं, और वो कातिल हैं जिन्होंने मदद के बदले मौत दी है, यानी वो हैं जिन बच्चों को, जिन बच्चों के परिवार ने उनकी मदद की, उन्होंने उनका परिवार को ही, उनके बच्चों को ख़त्म कर दिया। हिमांशु, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये हत्या आखिर हुई क्यों है, इस हत्या के पीछे कोई इतनी बड़ी वो, हालांकि जिस तरह से उसने किया है कि वो आया है फिर ऊपर बुलाया, उसने एक एक करके कत्ल किया, वहाँ दोनों बच्चों को मारा, हालांकि आवाज़ भी बहुत हुई होगी, बच्चे बचने के लिए भागे भी हैं, ये भी बहुत सारे सवाल पुलिस जांच में आते हैं, लेकिन जिस तरह का ये सब कहना कि भाजपा झगड़े करा रही है, फिर ये कह रहा है कि केस नहीं खुलेगा, ये तो लगभग ओपन एंडेड केस है, क्या है आपको क्या लग रहा है, अब क्या जांच की दिशा क्या है? अब बिल्कुल देखिए,
बिल्कुल देखिए, राजनीतिक पहलू से मुझे अखिलेश यादव के बारे में एक लाइन याद आ रही है, खिसियाए बिल्ली खंबा नोचे, कि कुछ उनके पास कहने के लिए और कुछ बचा नहीं है तो अब खंबा नोचने लगे हैं और कुछ भी कहने लगे हैं जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है और तारीखों का ऐलान ऑलरेडी हो चुका है। अब इस केस के बारे में हम आ जाते हैं, ओपन एंड शट केस है कि साजिद ने दोनों बच्चों का कत्ल किया था, ये सभी को पता है, उसका जो हश्र होना था वो हो चुका है और उसी की वजह से यहाँ के जो सेंटीमेंट्स हैं, जो पब्लिक के सेंटीमेंट्स थे, काफ़ी हद तक कल शांत हो गए थे और पब्लिक अपने अपने घर चली गई थी। जो सामान जरूर था जो सैलून का, उसको बाहर निकाल कर इसी जगह पर, ये जो मेरे पीछे आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पर उसको आग लगा दिया गया था। और जब पब्लिक आगे जा रही थी और तभी ये खबर आ गई थी कि पुलिस और साजिद के बीच में मुठभेड़ हुई है और साजिद का एनकाउंटर हो गया है जिसमें साजिद ढेर हो गया है। पब्लिक को शांत किया गया, पब्लिक को घर भेजा गया और उसके बाद ओपन एंड शट केस के अंदर जो उनका दूसरा भाई है जावेद, उसमें अगर वो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तब ये सवाल खड़े होते हैं, अगर साजिद ना बताए तब क्वेश्चन आता है कि साजिद जावेद के गिरफ्तार होने के बाद भी अब तक पुलिस नहीं बता पाई है कि इस केस के पीछे की वजह क्या थी या उन दोनों बच्चों को कत्ल करने के पीछे की असल वजह क्या थी, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रकरण इन दोनों ही परिवारों के बीच में नहीं था, चाहे वो विनोद की परिवार की हम बात कर लें, चाहे साजिद के परिवार की बात कर लें, क्योंकि इनके कस्बे में ही हम पहुंचे थे, कस्बे से हमने इनके यहाँ से रिपोर्ट की थी, जहाँ से पुलिस ने आज इनके पिता बाबू जिनका नाम है, साथ में जो इनके चाचा हैं रईसुद्दीन, उनको भी गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। वो वजह यही है कि जल्द से जल्द जो भागा हुआ है जावेद वो पुलिस के हाथ आए और जावेद जब पुलिस के हाथ आएगा तो पुलिस उससे सवाल पूछेगी, तुम दोनों भाई जब घर के अंदर पहुंचे थे फाइनेंशियली सपोर्ट मांगने के लिए तो ऐसी क्या वजह रही कि तुमने दोनों ने मिलकर, तुम एक जना नीचे रहा और एक ऊपर बच्चों को बुलाकर मौत के घाट उतारता रहा, तो तब जाकर इन सवालों की गुत्थी सुलझ पाएगी। लेकिन इसमें कहीं भी राजनीतिकरण करना इसका और राजनीतिक मुद्दा इसको बनाना ये एकदम से गलत है और इसको पब्लिक भी इसके खिलाफ मान रही है जब हम पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहां से जो लोकल सांसद हैं संघ मित्रा मौर्या, वो खुद यहां पर पहुंची थी, वो भी महिला पीड़ित महिला से मिली थी, उनसे भी हमने सवाल किया था कि शिवपाल यादव बयान दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इस समय राजनीतिक बयान देना बेवकूफ़ी वाली बात होगी, क्योंकि इस समय हम परिवार से मिलने के लिए आए हैं और हम परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं, ये कहने आए हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके दो बच्चे आपने गंवाए हैं, दुख लेते हैं, अपर्णा यादव ने भी तो इसमें एक ही परिवार की लड़ाई आपको दिख रही है, अपर्णा यादव बीजेपी में, उनको भी सुन लेते हैं क्या कहती हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के नहीं, बच्चे बच्चे होते हैं और इस पर किसी भी तरीके का मुझे नहीं लगता है कि ये किसी को भी अधिकार है कि किसी के भी बच्चों को मार दें इस तरह से। और समाज में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत बड़ा दर्पण है कि हमारे समाज में कितना ज़्यादा आजकल जो है गुस्सा बढ़ रहा है लोगों में। तो मैं बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कल्की धाम का जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी शिलान्यास किया है, समस्त लोगों से ये अपील करी है कि कल्की अवतार एक ऐसे अवतार होंगे जो कि जो है कलयुग का नाश करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म में भी ये कहा गया है। तो मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री के मैसेज को समझें और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, आपसी वो, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इस राजनीतिक मुद्दा तो बन चुका है, चूंकि जिस तरह का बयान समाजवादी पार्टी दे रही है, समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि इस पूरे मसले को बजाय इसके कि वो कानून व्यवस्था से देखे, उसने इसको कहा कि सांप्रदायिक बना देती है, झगड़े कराती है, जबकि ये गणित साफ है कि अगर जिस मुस्लिम वोट के लिए तुष्टिकरण का जो दाग है वो लगता है विपक्षी पार्टियों पर, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि कभी कार सेवकों पर गोली चलाई, कभी मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, या उसके बाद एक और भी कई सारे घटनाएं उनके समय में लगातार दंगों की एक सीरीज थी, उन सब में एक चीज़ तो तय होती थी कि जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट होता चला गया लगातार, और बदले में जो लोग कहते हैं ये सही, मैं इसको कभी कम से कम डाटा तो इसको सही नहीं कहता है कि अगर आप गौर करते हैं हिंदू वोटर्स कभी भी एकजुट नहीं होता, रिएक्शंस में भी अगर बटते हैं, जो यादव वोट की बात की जाती है वो भी हिंदू फोल्ड का वोट है, तो इसीलिए हिंदुओं का ध्रुवीकरण कभी होता नहीं है, कम से कम
ये तो दिखता है। ये बात अलग है कि कुछ पत्रकार या कुछ इस तरह से यूट्यूबर्स उसको इस परिप्रेक्ष्य में लगातार देख रहे हैं। फासिस्ट फासिस्ट सुनते सुनते लगभग 7 दशक से ज़्यादा इस देश को हो गए हैं। मैं उनके पास जाता हूँ। अभय जी, आपकी आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ साफ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल ज़रूर समझना चाहूँगा कि ये जो वोट है, जिस तरह का बयान है, ये बयान तो और कंसोलिडेट करता है, चूँकि जो मुस्लिम वोट है उसकी संख्या जितना वो दे सकते हैं वो अपने चरम तक पहुंच चुकी है। 96% से ऊपर से ज़्यादा इस बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने वोट किया। लेकिन अब इस वक्त ओवैसी आ रहे हैं तो मुस्लिम वोट बढ़ सकते हैं, क्योंकि ओवैसी की अपील बहुत ज़्यादा मुस्लिमों में होती है, सुनने ज़रूर आते हैं। यहाँ यूपी में वो वोट में कन्वर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जाता है कि जो आदमी आपकी सभा में आया है वो 20% आप तक आ गया है, आगे आपका संगठन, आगे आपकी नीति और आगे आपका रणनीति उसको वापस ला सकती है वोट बैंक के तौर पर। तो एक तो उनके आने की खबर है, दूसरा ये है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार अपनी तरफ से अलग से इस पूरी चुनाव में होगी, और उनका मुस्लिम जो और जाटव जो समीकरण है वो कई बार और अभी तक काफ़ी कुछ असरकारक रहा है। सीट भले ही उनके पास अभी पिछली बार से नहीं हो, पिछली बार हालांकि 10 उनके पास लोकसभा सीट रही थी, लेकिन मैं विधानसभा और उससे पहली लोकसभा की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनके पास एक इंटैक्ट गणित है। तो नुकसान किसको होगा, क्योंकि वहाँ से उनके चाचा लड़ रहे हैं। 50% में अगर वो मुस्लिम वोटों को तुष्टीकरण की बात सोचते हैं तो वो तो बाकी हिंदू अगर कंसोलिडेट हो गया तो फिर तो उनके चाचा की जमानत भी नहीं बचेगी, और इसी का असर मुरादाबाद, रामपुर और तमाम जगह पर दिखता है। तो कोई अपने पैरों पे कैसे राजनीतिक तौर पर कुल्हाड़ी मारता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए पुंडित साहब, ऐसा है कि भारत में SC/GP वोटिंग से लोग के आधार पर हम वोटिंग होता है, और उसमें एक वोट भी काफी है चुनाव जाने और हराने के लिए। भारत के इतिहास को कम से कम 3 बार एक वोट के अंतर से चुनाव हमने दबाया है, कम से कम 3 बार या 3 बार विधानसभा का चुनाव था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी एक वोट ही आपके आपका जाने हराने का फैसला कर सकता है। आप ही के राज्य मतलब उत्तर प्रदेश में बचली शहर में पिछले बार लोकसभा चुनाव 181 वोट लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, तो एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। देखिए इन लोगों का जो है इस बार वहां पर जो आपकी जो मतलब उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है वो वैसे बड़े पैमाने पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, पर्यावरणीय चीज अलग है। तो इसमें क्या है कि ऐसे ऐसे रेटोरिक किया जाए, ऐसी ऐसी बातें बोली जाए कि सबसे कम मुस्लिम वोट एक साथ आ जाए, तो इन लोग का है कि अगर हम मुस्लिम वोट को एक साथ गठित कर लेते हैं तो फिर हिंदू में हम इजिली हम लोग उनको कर सकते हैं भाई। उसके आधार पर उनका एक यही है कि भैया अगर मुस्लिम संगठित होकर के आ जाता है तो हम हिंदू में डिवाइड करके अपना चुनाव की रणनीति बनाएंगे, और तब जबकि मायावती और वैसी से भी लड़ना है तो उस वहां भी मायावती और वैसी से लड़ने तो इस तरह के बयान काफी कारगर साबित होते हैं। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ सुखबीर साहब, मुस्लिम वोट के लिए मेरा व्यक्तिगत आकलन थोड़ा अलग। रामपुर सीट जिन जगहों से पर तो मुस्लिम जैसे मुस्लिम जहाँ बहुतायत में है वहां पर तो असर होता है, लेकिन ज्यादा असर वहां होता है जहाँ कम संख्या में हो। कैसे? बैनपुरी में मैंने जो बना रखा है, बैनपुरी में ज्यादा मुस्लिम नहीं है, लगभग 1 लाख मैंने जो स्टेट निकाला है 1 से 1.25 लाख मुस्लिम वोटर है। मुस्लिम वोटर एग्रेसिव वोटर होते हैं, अगर 1,25,000 है तो अगर 70-80% वोट कर देते हैं मतलब 80-90,000 लोग वोट करेंगे, उनका एक वोट भी बीजेपी के तरफ या दूसरे तरफ नहीं जाता है। तो ईवीएम खुलने के पहले वहां पर बीजेपी का -80,000 -85,000 वोट हो जाता है। तो मुस्लिम वोटर जो है वहां पर तो है ही है, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर है वहां पर महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जहां पर उसकी संख्या कम है। क्यों? क्योंकि लोग एग्रेसिवली वोट करते हैं, और जहां सबसे कम है आपके जो राज्य में उत्तर प्रदेश में 4 से 5 सीट है और वहां सबसे कम मुस्लिम वोटर है, वहां 1 लाख कम से कम 1 लाख है, तो वहां पर तो ऐसे ही 80,000 वोट बीजेपी के लिए वो लोग किसी एक कैंडिडेट को डालते 80,000 वोट में उनका उस कैंडिडेट का मतलब कवरेज शुरू होता है। तो इस तरह से मुस्लिम वोट का थोड़ा सा अगर ऐसे हम लोग आकलन करें तो ज्यादा असर करता है। जी, मैं एक सवाल आखिरी सवाल अनुपम जी आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरह से मैं इस हत्याकांड पर बात नहीं करते हैं, इसको अलग रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में आपके यहाँ भी चापड़ से एक हमला चलती हुई बस पे जिस तरह से उस कंडक्टर को मारा था वो भी अभी मुझे नहीं मालूम है कि अभी उसकी जान बची या नहीं, वो हॉस्पिटलाइज था बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन फिर भी
बात तो राजनीति पर आएगी ही, मैं आपसे इसी राजनीति को पूछ रहा हूँ कि क्या इस तरह के बयान, ये बहुत सोच के दिए गए बयान है क्योंकि इनका असर बहुत ज़्यादा होगा अगर हम ये करते हैं कि भाई दंगा कराया है या इस तरह कराया है और बीजेपी ये करती है। तो एक कंसोलिडेशन अगर आप मुस्लिम वोट का करना चाहते हैं, अगर कभी हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो जाता है, अगर कभी, मैं ये मानता हूँ आज तक नहीं हुआ, अगर कभी हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो मुँह है जहाँ उनके खुद के चाचा लड़ रहे हों, उनके भाई वहाँ आजमगढ़ से लड़ रहे हों, उनकी पत्नी लड़ रही है जहाँ कम वोट है लेकिन है मुस्लिम वोट और खुद एक सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं, एक भाई भी लड़ेगा जो चचेरा भाई है वो भी लड़ेगा जिसके लिए राम गोपाल इतने वोट बयान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह का बिना सोचे समझे बयान दिया होगा या किसी को निपटाने का फैसला भी हो सकता है? हम कत्ल से अलग जा रहे हैं, इसीलिए आपसे राजनीतिक राय पूछनी है विशुद्ध। किसी को निपटाने का फैसला हो सकता है, बड़ी दिलचस्प लाइन दी आपने धीरेन जी। मैंने तो अपनी बात क्या शुरुआत ही इसलिए की थी, इस तरह की थी कि राम गोपाल जी मुस्कुराते हुए बयान दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि शायद शिवपाल निपट जाएंगे बदायूं में। रही बात वोट कंसोलिडेशन की, तो मैं तो इस बात को हमेशा से कहता आया हूँ कि जब आप 75 साल तक मुस्लिम वोट कंसोलिडेट कर रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक बना रहे थे, तो एक दिन रिवर्स पोलराइजेशन, तो मतलब विपरीत ध्रुवीकरण तो होना ही था। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि हिंदू वोट बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं हुआ, अगर बिल्कुल कंसोलिडेट नहीं होता तो 2014, 2019, 2017, 2022 इस तरह के परिणाम कैसे आते? तो बिल्कुल हुआ है। और समाजवादी पार्टी जो 2009 में 35 सीट लाई थी, 28% वोट था, जो 18% और 5 सीट पर सिमट गई, तो बिल्कुल रिवर्स पोलराइजेशन हुआ है। बल्कि हमने देखा है लोकसभा चुनाव में इनका खास अपना खाटी जो इनका यादव वोट है वो भी 4 में से एक आदमी पलट जाता है लोकसभा में और जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देता है। तो विपरीत ध्रुवीकरण का असर नज़र आता है, इसमें दो राय नहीं है। और जहाँ तक सोच समझ के बयान देने वाली बात है, बड़ी ऑनेस्टली कह रहा हूँ और ये बिल्कुल राजनीति नहीं है, मुझे तो कोई भी आदमी, आप देखें इसको किसी और के, आप कंपेयर करें इसको, ऐसा कैसे होता है कि इस तरह का एक भी बयान मायावती से क्यों नहीं आता? जिस तरह के बयानों से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, राहुल गांधी, इन सब के बयानों को समय समय पे माना गया है कि उन्होंने ध्रुवीकरण पैदा किया, और ये भी माना गया है कि उन्होंने आपका खुद का नुकसान किया है, दूसरा जो हुआ तो हुआ ही, आपका अपना भी नुकसान किया है। और अगर आप देखें इनमें से एक भी बार आप मायावती का एक भी बयान पकड़ कर आप ध्रुवीकरण नहीं कर पाए, तो इसके बाद मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि साहब अव्वल तो ये बहुत सोच विचार के करे हुए काम नहीं है, और अगर सोचा विचारा गया भी है तो मैं यही कहूँगा कि सोच बहुत गलत दिशा में जा रही है धीरेन जी। हाँ जी, तो मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से बदायूं में घटना का राजनीतिकरण करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि वो सलाहकार वही होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि मुजफ्फरनगर कांड ने बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया था। हालांकि सरकार समाजवादी पार्टी की थी, जिस तरह का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, वोटों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की थी, वो मुस्लिम वोटों की थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि एक बड़ी गलती की तरफ है, क्योंकि इस विशुद्ध तौर पर जो आपराधिक घटना है, बेरहमी से किए गए कत्ल की घटना है, उससे शायद ही इसका राजनीतिकरण करके समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक लाभ ले पाएगी। हाँ, नुकसान की तरफ इशारा जरूर है, और एक जो संभावित नुकसान है वो मुझे लगता है शिवपाल को है, जो शिवपाल बयान जरूर दे रहे हैं कि केस बंद हो गया, क्योंकि उनको मालूम है अब उनके किसी बयान का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी लाइन ले चुकी है और ये लाइन उनके लिए तो जरूर खतरनाक है। आज के लिए इतना ही, सीधी लकीर विद धीरेन्द्र पुंडीर में कल फिर मुलाकात होगी। आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से निवेदन है कि वो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और 7:55 पर देखना न भूलें। नमस्कार।